इंडिया वासुदेव कुटुंबकम वर्ड को G20 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है और संस्कृत UN की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट है चाइनीज ऑफिशियल्स की, जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि G20 का समिट इंडिया में हो रहा है और इस समिट में खलल डालने की पुरजोर कोशिश करने में लगे हैं। दोस्तों वैसे भी G20 डॉक्यूमेंट्स में वासुदेव कुटुंबकम की इंग्लिश ट्रांसलेशन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जा रही है, लेकिन रिसेंट में हुई G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के इंग्लिश डॉक्यूमेंट में वासुदेव कुटुंबकम वर्ड यूज किया गया और इसी के अगेंस्ट चाइना ने ये इशू क्रिएट किया। इसके अलावा श्रीनगर में मई में हुई G20 टूरिज्म मीटिंग पर भी चाइना ने सवाल उठाए थे और चाइना के अकॉर्डिंग बिना चाइना के G20 मीटिंग के कोई मायने नहीं है क्योंकि चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया की इमीडिएट नेबर भी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्यों चाइना इंडिया में हो रही G20 मीटिंग को डीरेल करने में लगी है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।